गणपत गबुरी केशवन और लेऊ प्रथम मनाए सरस्वती स्टूडियो में सुहान बिराजो आए। द्वापुर में माँ देवकी के और प्रभु लीनो अवतार शंकर जसोदा संवाद की सुलीला कहूं विचार। मेरे नौजवानों, इधर में इस कहानी यानी शंकर जसोदा संवाद को हम त्रेता से स्टार्ट करते हैं, त्रेता युग से। और वो कैसे है सुनो बड़े गौर से। अरे त्रेता में छोड़े अयोध्या को भैया, त्रेता में छोड़े अयोध्या को सरयू में तन बिसुराया थे। भगवान ने मां सीता से कॉल किया था, उसको भोलेनाथ और ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। इधर होता क्या है, बैठे हैं दिगंबर पर्वत पर, जब सोच हृदय में छाया है बाणासुर घर हुआ नहीं दरस राम का पाया है। मेरे नौजवानों, उस समय की बात है जब बाणासुर के यहां भगवान राम और लक्ष्मण गए थे, तो वहां युद्ध हुआ था बाणासुर से। उस युद्ध में जब बाणासुर हार चुका था, तो भगवान शंकर को ध्यान दिया, तो भगवान शंकर प्रकट हुए और वहां पर शंकर ने राम के दर्शन किए। फिर उसके बाद उन्हें दर्शन नहीं हो पाए, तो शंकर भगवान आज कैलाश पर्वत पर भगवान के ध्यान लगाए बैठे हैं। बोले दाता, आप कहाँ हो, हमें वर्षों हो गई लेकिन आपके दर्शन न हुए। तो इधर जो देखा है किन्ने, पार्वती ने, तो क्या होता है बंधु, पार्वती बोली शंकर से, कहाँ पर ये ध्यान तुम्हारा है हे स्वामी। तुम्हारा है क्या सोच रहे हो, प्राणनाथ का हृदय में सोच अपारा है। आज पार्वती जी कहने लगी हैं कि हे भोलेनाथ, कैसे खोए खोए से बैठे हो, कहां हो तुम। हाय हाय, इतने जो शब्द सुने भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती के सुन वचन और भोले भोलेनाथ, हे प्यारी में क्या कहूं सो गुप्त मते की बात। क्या बतलाऊं, जिनके और ख्वाब में मैं डूबा हुआ हूं, मैं क्या कहूं आपसे। बोले नाथ, बताओ तो सही। लेकिन उस समय जो बातचीत हो रही है दोनों में, तो इधर क्या होता है,
उसी वक्त नारद मुनि और गए वहां पर आए कथा प्रभु के जन्म की सब दीनों हालो सुनाए। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और नारायण नारायण करते हुए आज भोले शंकर के सामने आए हैं। तो पूछा है कहां से आ रहे हो, तो उस समय नारद मुनि प्रसन्न होकर के कहने लगे, अरे भोलेनाथ शायद आपको नहीं मालूम हो, अरे भगवान जन्म ले चुके हैं और वो गोकुल में पहुंच गए हैं नंद बाबा के यहां। जो इतने शब्द सुने, क्या अवतार हो चुका? बोले हाँ। तो आज शंकर भगवान के दिल में एकदम से लालसा आई। पर क्या होता है बंधु, सुनो गौर से। हो दर्शन करने अजी, हाँ दर्शन करने को मने ललचाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। आज मेरे नौजवानों, ये त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से यशोदा शंकर संवाद आप सुन रहे। तो भगवान शंकर किस प्रकार से उन पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे, क्योंकि प्रकट हो चुके हैं नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। हाय हाय पालने में झूर रहे, इधर कैसा भेष बनाया और क्या हुआ सुनो। हो दर्शन करने, हाँ हाँ दर्शन करने को मने ललचाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। और क्या हुआ, अरे अंग भूत रमाए शंभु ने पहन ली मृगशाला, हाँ अंग बहुत रमाए शंभु ने पहन ली मृगशाला, वो बिच्छू ततैया कातर लटके गले मुंडो की माला। ओ नाग काला, अरे नाग काला गले लटकाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। आज मेरे नौजवानों, अपना भयंकर रूप बनाते हैं और होता क्या है आगे। अरे कानन कुंडल केस लटक रहे सर पे नागिन कारी, हाँ कानन कुंडल केस लटक रहे सर पे नागिन कारी, और रूप भयंकर देख सम्मुख चंदा दिपेन लारी। और क्या, आए डमरू को, ओ डमरू को हाथ उठाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। और क्या हुआ भैया, देखकर शंकर जी को देव हंसे दे तारी, रूप देखकर शंकर जी को देव हंसे दे तारी, वो कह न सकी मुस्कुरा गई मन में गणपत की महतारी। अरे नई भेदी, ओहो नई भेद किसी ने पाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। दर्शन करने को मन लड़ जाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। इस प्रकार से सज गए आज भोलेनाथ। इधर में
गोकुल की तैयारी करने दर्शन करने के लिए अपना भेष बदल चुके हैं। जो देखा है तो आज पार्वती जी कहने लगी, सैया लेकिन हमारी ओर सुन ले, आज क्या कह रही बंधु? ए पार्वती के बेन मान ले, कहने संग में जाऊंगी, माँ जसोदा जी के लाल के हाय दर्शन कर में आऊंगी। महाराज भोलेनाथ मुझे भी संग ले लो, उन पार्वरम के दर्शन करने के लिए मैं भी चलूंगी आपके साथ। भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए, बोलिए जानबूझ करके पाम दे रही है, कैसे समझाऊं और क्या बोली है सुनो। ए मतना नाई करो, पैरों में पड़ू चैन जब पाऊंगी, चैन जब पाऊंगी, जय कारण झेले कष्ट रे तय हसी हसी को न खिलाऊंगी। आज कहने लगी है कि आप दर्शन के लिए जा रहे हो नाथ, तो मैं भी चलूंगी संग। भोलेनाथ कहने लगे, मान जाओ। क्यों, क्या बात है? अरे पार्वती मेरो मानो कहना, याद करो ऐसे ही जिद तुमने मां करी, जब उन मानी अब मान जाओ। अरे जो तो ते नाथ कहे मैं सारी, अब जन्मोती सरो लियो तू प्यारी, मेरी पार्वती, हाँ हाँ मेरी पार्वती, नहीं देखी तू पछतावेगी, तू जन्मती सरोले मेरी पार्वती, ना पीछे पछतावेगी। आज भोलेनाथ कहने लगे हैं, मान जाओ बहुत तुम जिद पे अड़ी थी, बहुत मैंने मने किया लेकिन तुम नहीं मानी, तो तुम्हें कईयों हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ी और जन्म दूसरा लेना पड़ो, अब का तीसरा लेगी। क्या होता है बंधु? समझ गई सब बात, लयो मन मारी, त दर्शन करने हित चले हैं त्रिपुरारी। भोलेनाथ समझा देते हैं पार्वती जी को और कहने लगे, अबे तो नहीं, लेकिन जब वो दीनदयाल रास रचाएंगे, जब हम चलेंगे, इस प्रकार से उन्हें समझा दिया और कहा, अब तुम कोई बात की चिंता मत करो, मैं दर्शन करके अभी आता हूं। महाराज अरे क्या लगो कुल की धाये हैं, ये पल की करी पलकी करी देर, तोरा तनंग घर में धाये हैं,
कलश बना करके भोलेनाथ, और गोकुल में जब पहुंच जाते हैं तो क्या दशा है, जैसे ही गलियों में प्रवेश हुए, अरे गोकुल घूमे भोलेनाथ, हाँ गोकुल घूमे भोलेनाथ, नगर के डर पे नर नारी, अरे गोकुल घूमे भोलेनाथ, नगर के डर पे नर नारी, जा रहे हैं भोलेनाथ। इधर में छोटे छोटे ग्वाल वाला और छई सापरी खेल रही हैं। हाय हाय, जो देखा तो क्या हुआ, ग्वाला देख घुसे सब घर में, ग्वाला देख घुसे सब घर में, दाती बजे तरप गए पुरों में, और क्या, अरे दैया मैया कहे चिल्लात, हाय हाय दाती बज रही भैया, कोई काय से पूछे का है गो, बालक भजे चले जा रहे, लेकिन दाती में कछु पही ना पावे, कछु कह रहे कछु कर रही, अरे दैया मैया कहे चिल्लात, नगर के दर पे नर नारी, और आगे हाय सखी आपस में बातचीत करने लगी है, बोली ओ बहना, हाय दैया, ये बाबा है क्या, कोई भूत बुलाए क्या, बाबा ना दिया दीख तो दानो, बाबा ना दिया दीख तो दानो, हमको दिखे बहना मानो सुखानो, देखत रूप हाय हाय, देखत रूप अंग धरात, नगर के दर पे नर नारी, आज मेरे नौजवानों गोकुल के ग्वाल बाल घरों में घुस जाते हैं, और जो जिस किसी की नजर पड़ते हैं, हाय हाय वो इक्कीवार लगा लेते हैं, और चले जा रहे हैं भोलेनाथ। आगे क्या हुआ है, बन के काल नगर में आयो, अरे बन के काल नगर में आयो, सब गोकुल को करे सफायो, ये भैया अब ना या गोकुल में कोई बच्चे को या पति, सब गोकुल को करे सफायो, अरे मेरी छाती फाटी जातु, नगर के दर पे नर नारी, द्वारे पे अलख जगात, नगर के दर पे नर नारी, अरे गोकुल घूमे भोलेनाथ, नगर के दर पे नर नारी।
में भगवान शंकर जब मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, एकदम आवाज लगाई, अलख निरंजन। हाय, जो ही मैया के कानों तक आवाज पहुंची और क्या हुआ, इधर भगवान पालने में खेल रहे हैं, इधर अलख सुने माई आई द्वारे पे, अलख सुने माई आई द्वारे पे, दांतों में उंगली को दबा गई। ये कौन है इतना भयंकर? लो भिक्षा, लो भिक्षा। भगवान शंकर ने सर भी नहलाया और ना ही कुछ कहा। क्या हुआ? बोले न चाले ये कैसो भिखारी, बोले न चाले ये कैसो भिखारी, पलना में खेल मेरो कुमार हजारी। और बहुत घबराई, हाय हाय, बहुत घबराई आई द्वारे पे, अलख सुने माई आई द्वारे पे, शब्द कहे मैया ने। अरे बाबा, लो भिच्या, सर हिला देते हैं और क्या बोले हैं, अरे मैया दीजो दरसी कराई, रोजो नहीं आवे तपुधारी,
अरे मैया ये सोनो चांदी कम्बल भोजन मुझे कुछ न चाहिए, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूँ। लाला के? हाँ नो 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 नो। अरे मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे, मुझे कछुना चाहिए। एकदम से माँ कहने लगी ना 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 ना, तुम्हें लाला के दर्शन? हाँ। ओ बाबा सुन, अरे तेरी सूरत लखे कारी कारी, बाबा हो तेरी सूरत लखे कारी कारी, मेरो डर जाए गो लाला हो तपोधारी। लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भगवान शंकर कहने लगे मैया मुझे दर्शन कराओ। ना 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 सुनो, अरे तन पे चिपक रहे हैं बिच्छू ततैया, तन पे चिपक रहे हैं बिच्छू ततैया, गले नाग लटके। ए बाबा हे गले नाग लटके डरे मीरो छैया, आरे तेरे सर पे है वो नागिन कारी, मेरो लाला डर पी जाए तपोधारी। ना 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 मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। ए बाबा मेरो लाला फॉरेन डर जाएगा, ये तो बहुत ही भयंकर हैरो है। और बाबा सुनो, अरे मेरे लाला की अब ही उम्र बारी, मेरो लाला डर पी जाए तपोधारी। बाबा ओ बाबा आगे बढ़ जाओ बाबा, मैं अपने लाला की हर दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया नेक करा दो नेक। नो 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 नो। और मैया क्या करती है बंधु? अरे द्वारे से जाओ न दर्शन कराऊं, द्वारे से जाओ न दर्शन कराऊं। और अरे हट जा परे को किवारे लगाऊं, हट जा परे को किवारे लगाऊं। और क्या? अरे तेरो रूप भयंकर है भारी, मेरो लाला डर पी जाए तपोधारी। तेरी सूरत लखरे कारी कारी, मेरो लाला डर पी जाए तपोधारी।
करने लगी। ओ बाबा आगे बढ़ जाओ, परे को हट जाओ ना पीछे को। हाय हाय, एकदम भगवान शंकर कहने लगे, मैया अरे सुन मैया की बात, चले शिवनाथ के माया फेरी। जब वो समझ गए नंदलाल करी नयन तेरी, आज मेरे नौजवानों जो मैया ने बिल्कुल इनकार कर दिया, भगवान शंकर बोले नए दर्शन करा रही ना आलोक निरंजन, हम चले मां इधर भगवान। बिना चखाए आज दही में कोई नहीं जा ले देंगो, बहनो रोज बनावे करबिन लिए नहीं में मानेंगो। आज तो तू मेरे चक्कर में पड़ गई, लेकिन आज ना मानूंगो। एक आना तुम्हें मेरी कसम छोड़ दो, हट जाओ ना, आज ना मानूंगो। हाँ समझ गए। और क्या, अरे भूल रही मेरी मात, समझ ना बात भाव शंकर को, दऊ पुत्र भाव दरसाई रे माता कुमे उर को। इधर मेरे नौजवानों, हाय हाय भगवान रोने लगे हैं। और क्या होता है इधर, अरे फिर लाला ने रोदन मचायो। चुप है जा लाला, अरे मेरे सोना लाला क्यों रो रहा है, चुप है जा लाला मेरे वालू लाला। का है वो गोदी में लयो लाल वसाई बेटा, अरे गोदी में लयो लाल वसाई, और पलना में रही है झोलाई। मेरो कन्हैया काय गुरो रवे, ये काय गुरो रवे बेटा, चुप है जा। हे भगवान आज मेरे लाला को का है गो, क्यों ना चुप है रो। हाय बहु भांति रही पुचकार को मारे तो रोवे बेटा, अरे यहां चल से दूध पिलाए चुप नहीं हो।
कि किस प्रकार से रो रहे हैं भगवान। हाय हाय मैया यहाँ से, हाय हाय जब चुप नहीं हुए तो आगे दौड़ के चली और सोचने लगी, हाय जी बाबा आयो, कहीं मेरे लाला पे जादू टोना तो नहीं करगो। दौड़ पड़ी है माँ और क्या कहने लगी, अरे ग्वाल बालों से मैया पूछे, ग्वाल बालों से मैया पूछे कौन गली गयो तपधारी। अरे देखो होए तो तनक बताए देओ, रोए रहो मेरो अवतारी। जो मैया की बात सुनी ग्वाल वाल कहने लगी, अरे ओ मैया वो बाबा जो भयंकर सोत हो ना। हाँ हाँ वो ही कहाँ है मैया सुनो। अरे ग्वाल बाल सब कहने लागे उल्ली गली गौ तपधारी, अरे ग्वाल बाल सब कहने लागे उल्ली गली गयो तपधारी। बाबा बाबा तेरा तेज आवे मुस्क्याए गए गंगाधारी। नौजवान इधर मैया, ओ बाबा बाबा तुम कहां हो बाबा। हाय हाय इधर शंकर भगवान मुस्करा रहे हैं और सामने से वो तो अंतर्यामी थे आ गए और खड़े हो जाते चुपचाप। मैया दौड़ के पास में पहुंची, जसोदा को शंकर मिले, अरे बोली हैं दुखियाए चलो संत मेरे साथ में सोला लाए देऊं गाय। आज मेरे नौजवान मैया कहने लगी है, ए बाबा चलो मैं अपने लाला को तुम्हें दे दूंगी, चलो चलो तुम्हें दर्शन कराऊंगी। हाय जो इतने शब्द सुने हैं भोलेनाथ कहने लगे, वाह अब मैं लौट के जाऊंगा। ना 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 ना, ना मैया मुझे बहुत दूर जाना है। नहीं बाबा चलो ना। बोले शंकर जती मुझको छेड़ो मती, प्रण हमारा अब न लौटूंगा पीछे दोबारा। नहीं बाबा ऐसे शब्द न कहो, मेरे साथ चलिए। ना 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 मैया ना। हाँ बोले शंकर जती मुझको छेड़ो मती, प्रण हमारा अब न लौटूंगा पीछे दोबारा। अरे मैया आशा करके मैं द्वारे पे आया, डर का करके बहाना भगाया। आशा करके मैं द्वारे पे आया, डर का करके बहाना भगाया। अरे मैया पहले कहाँ पे हती अब क्यों फेरी मती, क्यों बिचारा अब न लौटूंगा पीछे दोबारा। भगवान कहने लगे भोलेनाथ, अरे मैया पहले तो मुझे दरवाजे से भगा दिया, अब बुलाने आई अब कोई कसर रह गई है। ना ना बाबा चलो मेरे साथ। ना मैया ना। पहले मांगा था गोदी में छैया, बोली काटेंगे बिच्छू ततैया।
तुम्हारी माँ, तुम तो प्रण पे हाथी, तुम तो प्रण पे हाथी, नहीं समझी गति क्यों पुकारा, अब न लौटूंगा पीछे दोबारा। आज जशोदा मैया कहने लगी, ओ बाबा मेरे पे रहम करो, बाबा मेरे संग चलो, इतने बेपीर न बनो। भोलेनाथ गर्दन हिला देते आगे को बड़े अलग, बाबा ठहरो, बाबा ठहरो, बाबा अरे तुम संत बने बेपीर, तुम संत बने बेपीर, बंधे नहीं धीर जो लम करे डारो, मेरो रोबे प्राण प्यारो। भगवान शंकर पीछे पीछे चल देते हैं। आज जो ही महलों में प्रवेश हुए, पालना के पास पहुंचे,
हाय देखते ही भोलेनाथ को वो दीनदयाल चुप हो जाते हैं। एकदम मैया ने झट से गोदी में उठा लिया और क्या हुआ बंधु, शंकर जी की गोद में मैया ने आज उठा करके और भगवान शंकर को दे दिया है। शंकर जी की गोद में हंस गए दीन दयाल, अरे गोपी ग्वाला सब कहें अरे है बाबा की चाल। अरे मैया भैया ग्वाल वालों की वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो सब कहने लगे मैया अब जी हमें बनावे के लिए हाय यानी ऐसो यतन रचाओ है, देख लो यही ने जादू टोना करो है तो मैया। एकदम इधर क्या होता है बंधुओ, बड़े प्रेम से दर्शन किए और इधर शंकर प्रभु के मिलन से है रही जय जयकार, और नव से देव दर्शन करें सुबर से फूल अपार। बोलो शंकर भगवान की। हाय हाय इधर में आगे आज हाथ फेरने लगे हैं और इधर क्या होता है, दर्शन करके भोलानाथ फिर वे पार्वती ढिंग आए। अरे के दर्शन करके भोलानाथ फिर वे पार्वती ढिंग आए, भैया पार्वती कहे हसी हसी बानी, पार्वती कहे हसी हसी बानी, अब कैसी है वो नंद रानी, अब कैसी है वो नंद रानी, अरे स्वामी कह दो मन की बात फिर वो पार्वती ढिंग आए। दर्शन करके भोलानाथ फिर वो पार्वती ढिंग आए, है गोकुल की कुशल पूछ रही है। और इधर क्या होता है, सुन के वचन कहें त्रिपुरारी, सुन के वचन कहें त्रिपुरारी, अरे मोकू घर से दौरी निकारी। अरे पार्वती जब मैं मैया जसोदा के दरवाजे पे पहुंचा तो दौड़ के मैंने हवा लगाई, जैसे मैया आई तो एकदम मेरा भेष देख करके और मेरे दरवाजे से पीछे को लौटा दो, बोली मैं दर्शन ना कराऊंगी। बोले ऐसी है, बोले हाँ। अरे मोकू घर से दयो निकारी, अरे ना समझी जसोदा बात फिर वो पार्वती ढिंग आए। ये दर्शन करके भोलानाथ फिर वो पार्वती ढिंग आए, जब मैं वहां से चला लौट करके वो भी बड़े दयालु थे समझ गए तो क्या हुआ, अरे निज माया फिर प्रलाई, हाँ निज माया फिर प्रभु पहलाई, प्रभु ने दीन
सुनो और धन मचाई, प्रभु ने दीनो और धन मचाई। और क्या, अरे माँ तेरे लेवाए गई साथ, फिर वो पार्वती ढिंग आए। ये दर्शन करके भोला नाथ, फिर वे पार्वती ढिंग आए। और कहने लगे कि हे पार्वती, दर्शन प्रभु के मैंने पाए, दर्शन प्रभु के मैंने पाए, अरे फिर हंसी हंसी के गोद खिलाए। अरे पार्वती, वह छोटे स्वरूप में बड़ो ही मोहिनी रूप है, बड़े सुंदर हैं वो, आहा। अरे फिर हंसी हंसी के गोद खिलाए, अरे मुख चूम के फिरो हाथ, फिर वो पार्वती ढिंग आए। ए दर्शन करके भोला नाथ, फिर वो पार्वती ढिंग आए। दर्शन करके भोला नाथ, फिर वो पार्वती ढिंग आए। आगे क्या होता है, अरे सुन शंकर के बेन परो और चैन, हाँ सती हर साई चरी मेहमाय परंपर रही स्वेच्छाई। चरी मेहमाय परंपर रही स्वेच्छाई, कर जोरे खड़ी चरण में पड़ी प्रेम और छायो। लक्की पार्वती को प्रेम रे जब शिव ने वचन सुनायो, माध्यम से मैंने लीला।